तिरुपति बालाजी के लड्डुओं की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला ने महाकाल के प्रसाद की जांच के निर्देश दिए हैं। तिरुपति के तिरुमला मंदिर में लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिला होने की रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी अलर्ट हो गई है। अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में वितरित होने वाले लड्डुओं की भी जांच कराई जाएगी। प्रदेश सरकार ने खाद्य और औषधि विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। खाद्य और सुरक्षा विभाग जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही आता है, हम वो पहले से ही नियमित रूप से इस प्रकार के तमाम चीजों की जांच करने का उनका दायित्व है। हम उनको निर्देशित करेंगे कि महाकाल मंदिर में भी विशेष रूप से वो नजर रखें और अपनी जांच की प्रक्रिया को गंभीरता से करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।